दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दो बड़े फैसले दिल्ली सरकार के बताए हैं। कल से दिल्ली के बॉर्डर खुलेंगे, यानी सभी राज्यों से बॉर्डर्स पे आगमन खुलेगा। होटल्स और बैंकेट हॉल्स को अभी नहीं खोला जाएगा। लेकिन जो बड़ा फैसला ये है कि दिल्ली के अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली वालों का ही इलाज होगा। जो केंद्र के अधीन है अस्पताल, उनमें पूरे देश का कोई भी नागरिक आके उपचार करा सकता है। आप अपने ऊपर एहसान कर रहे हैं, अगर आप एहतियात बरतेंगे तो आप कोरोना से बच सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और बार बार हाथ को धोना, ये तीन चीजें अपने को अच्छे से करनी है। लेकिन मेरी सबसे ज्यादा बड़ी विनती बुजुर्गों से है, सभी बुजुर्गों से मेरी हाथ जोड़ के विनती है, आप ये मान के चले कि आपके लिए लॉकडाउन खत्म नहीं हुआ, अभी भी आपके लिए लॉकडाउन है और आपके लिए तो और ज्यादा लॉकडाउन है, सख्ती से लॉकडाउन करना है। मान लीजिए आपके घर में आपके बच्चे हैं, थोड़े दिन के लिए बच्चों से इंटरेक्ट करना बंद कर दीजिए। तो मेरी आपसे, जो बुजुर्ग हैं और जिनको को मॉर्बिडिटी जो कहते हैं, कैंसर है या डायबिटीज है या सांस की बीमारी है, इन लोगों को ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। पिछले हफ्ते मैंने आप सब लोगों से एक और चीज़ है, कल से दिल्ली के बॉर्डर्स खोले जा रहे हैं। एक हफ्ता पहले हमने दिल्ली के बॉर्डर्स सील किए थे, इसलिए क्योंकि हमें ये लग रहा था कि अगर दिल्ली बॉर्डर्स खोल दिए तो देश भर से जो मरीज आएंगे और दिल्ली के अस्पतालों में इलाज कराएंगे, उससे दिल्ली के अस्पताल अभी जो कोरोना का इलाज कर रहे हैं, क्या उसको बर्दाश्त कर पाएंगे, क्या उस बर्डन को बर्दाश्त कर पाएंगे, इस वजह से बॉर्डर्स को सील। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने आज दो फैसलों का ऐलान किया। एक, कल से दिल्ली बॉर्डर खुले जाएंगे। दूसरा, दिल्ली के सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में सिर्फ दिल्ली वालों का ही इलाज होगा। ये फैसला माना जा रहा है दिल्ली सरकार ने इसलिए लिया है क्योंकि दिल्ली में पिछले एक महीने से केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, जो कि काफ़ी चिंता का कारण बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, काजल सिंह।